नमस्कार, फिर मैं हूँ चंदन पटेल। और देखिए, एक ऐसी कंपनी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ जो कि एक आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कंपनी है CESC लिमिटेड करके, ये कंपनी है जो कि पावर जनरेशन में काम करती है। इसके बारे में आपको और भी बताऊँगा। देखिए, ये रेट आप ध्यान से देख लीजिए, 829.40 रुपये। ये रेट आप ध्यान से देखिए और मैं आपको यहाँ पे फंडामेंटल पे लेके जाऊँगा। और फंडामेंटल पे आपको मैं ये चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, पावर जनरेशन में काम करती है। इसका 1 ईयर का जो रिटर्न है और 1 मंथ का जो रिटर्न है वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, जो 1 मंथ का जो रिटर्न है 3.63% है, 1 ईयर का जो रिटर्न है 35.89% है। ये देखिए, इसमें बहुत ही एक अच्छी चीज़ है कि जो इसका सेक्टर पी है अपने सेक्टर पी से भी सस्ते पर ये अवेलेबल है। इसका सेक्टर पी है 23.25%, मतलब 25। और अगर यहाँ पे हम स्टॉक की पी की बात कर लें तो 8.26 का स्टॉक पी है, जो कि बहुत ही सस्ते पर अवेलेबल है। ये देखिए, डिविडेंड बहुत अच्छा देती है, 5.45% का ये डिविडेंड देती है। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 10,994 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग की बात करें तो लगभग 1 लाख शेयर होल्डर हैं। और यहाँ पे बाउंड वीक अगर लो की हम बात करें, देखिए बाउंड वीक जो इसका लो है 555 रुपये है। अगर बाउंड वीक हाई की बात करें तो 870 रुपये का बाउंड वीक हाई है। चलिए, इसके बारे में और भी मैं बताता हूँ। देखिए, ये अपकमिंग, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक शेयर का मतलब अगर आपके पास एक शेयर है, इसकी फेस वैल्यू चेंज हो रही है। 10 रुपये की जो फेस वैल्यू वो 1 रुपये हो रही है, और एक शेयर के पीछे आपको 10 शेयर मिल रहा है। अगर आपके पास एक शेयर है तो वो 10 शेयर हो जाएंगे, ठीक है, टोटल हो जाएंगे आपके पास 10 शेयर। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो 10 शेयर का हो जाएगा 100 शेयर। और अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो 100 शेयर का हो जाएगा 1,000 शेयर। ऐसे ही अगर आपके पास 5 शेयर हैं तो वो हो जाएंगे 50 शेयर। अगर आपके पास है 50 शेयर तो वो हो जाएंगे 500 शेयर, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि ठीक है भाई मैं इसमें इन्वेस्ट करूं, तो आप अगर अभी भी अगर 5 शेयर लेंगे, कुछ वैल्यू आपकी लगेगी, ज़्यादा तो नहीं लगेगी, लेकिन आपका लगभग लगेगा 3,000, लगभग वही 4,000 के रेंज में जाएगा, 4,000 कुछ, ठीक है, 4,300-400 के रेंज में जाएगा। तो अगर आप 5 शेयर उठाते हैं तो वो आपका हो जाएगा शेयर 50, जो इसकी एक्स डेट है 17 सितंबर है एक्स डेट, ठीक है। तो कम से कम अगर आपको अगर लेना हो तो 5 शेयर ले लीजिए, या 1 शेयर ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 शेयर का 10 शेयर हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।